बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस क्लिप में मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी बिल, कंज्यूमर के राइट्स क्या है और उसमें यूटिलिटी बिल आपसे क्या चार्ज कर सकती है और क्या चार्ज नहीं कर सकती, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कंज्यूमर का एक सर्विस मैनुअल, नेपरा का एक रेगुलेशन है कंज्यूमर सर्विस मैनुअल का, और इसके पेज 29 पे अगर आप जाएँ तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये हम सबको पता होना चाहिए कि मैं ये सिर्फ, इसका मकसद यही है कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपको ये पता है या नहीं। तो जब गलत बिलिंग होती है या ओवर बिलिंग होती है तो आप उससे उसी हिसाब से बात कर सकते हैं। तो ये डिड यू नो में नेपरा का ये रेगुलेशन है और उसमें कंज्यूमर के थ्रेफ्ट के डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन कंजम्पशन और यूज़ ऑफ एनर्जी, थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, ये 9.1 उसका आर्टिकल है और उसमें इलीगल एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीटर को डैमेज के क्या क्या कंडीशन है, सारी इसके अंदर कंडीशंस दी हुई हैं। और उसके बाद फिर इसके प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे प्रोसेस करें इसको। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए जो इसमें ये वो है आर्टिकल ये 3.3 है, द मैक्सिमम पीरियड फॉर चार्जिंग सच ए केस शैल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 3 बिलिंग साइकिल्स फॉर जनरल सप्लाई कंज्यूमर्स, आइदर A1 A2 फॉर पीरियड बियॉन्ड 3 बिलिंग साइकिल अप टू ए मैक्सिमम 6 मंथ इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिस्को जो भी है या के इलेक्ट्रिक है। आल्सो फॉर सच केसेज एक्शन विल ऑल्सो बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द ऑफिसर इन चार्ज फॉर नॉट बींग विजिलेंट एनफ। फॉर अदर कंज्यूमर क्लास द पीरियड ऑफ चार्जिंग कैन बी मोर देन 3 बिलिंग साइकिल अप टू ए मैक्सिमम 6 बिलिंग साइकिल। मतलब अगर आपके पास अगर कोई प्रूवन थेफ्ट हो तो आपका 3 से लेकर 6 तक का बिलिंग चार्ज किया जा सकता है जो पिछला बिल इश्यूड है। ये नहीं कि दो दो तीन तीन साल के आपसे थेफ्ट के बिल ले जाए। तो ये तो, और ये भी आपको याद रहे कि जो मीटर की प्रॉपर्टी है वो भी केसी की, इसकी कैलिब्रेशन एक्यूरेसी की जो चेकिंग जो है ना, ये उसका काम है। तो अगर उसमें ओवर बिलिंग होती है या फास्ट भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी यूटिलिटी कंपनी पर आती है। उसके बाद फिर एक और पॉइंट है, पॉइंट 4, इफ़ द कंज्यूमर ऑब्जेक्ट्स पेमेंट आर डिस्प्यूट ओवर द क्वांटम ऑफ द यूनिट डिडक्टेड बाय द डिस्को, द अपेरेंट अथॉरिटी ऑफ द रिवीजन ऑफ डिडक्शन बिल वुड बी रिव्यू कमेटी हेडेड बाय नेक्स्ट हायर ऑफिसर, द कंज्यूमर विल ऑल्सो बी गिवन पर्सनल हियरिंग बाय द रिव्यू कमेटी। तो ये अगर आप ख्याल रखें कि जब भी अगर आपको कि ओवर बिलिंग मीटर थेफ्ट का ब्लेम आए तो उसका प्रूफ करना यूटिलिटी कंपनी का काम है। तो इसके साथ मैं आपको एक फ्लायर भी आपको ये अटैच कर रहा हूँ, डिड यू नो, कि आपकी नॉलेज में होना चाहिए ये सारी चीज़। अगर आप उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो ये आप जाके यूटिलिटी कंपनी को दिखा भी सकते हैं। बहुत से लोग इससे बचे भी हैं, मैंने बहुत से लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी तो। लेकिन हम बात सिर्फ वही है कि हम लोगों को पता नहीं है। और नेपरा का ये कंज्यूमर सर्विस मैनुअल है जिसमें कंज्यूमर के राइट्स की बात है। ये नहीं है कि थेफ्ट के बाद 3 साल का बिल, पिछला बिल, पहले तो यही होता था कि पिछले 3-3, 4-4 साल के बिल आपको चार्ज किए जा रहे हैं। तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने कहा कि लोगों को पता चले। शुक्रिया।